हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे बोला गया है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आपके पास ऑप्शंस गिवन है द पावर ऑफ अटॉर्नी एज डिफाइंड इन द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, अ ट्रस्ट एज डिफाइंड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अब कोई भी ऐसा ट्रस्ट हो सकता है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर डिफाइंड हो। नो थर्ड है आपके पास अ विल। अब बेसिकली यहाँ पे आपको विल के बारे में बोला गया है। अब देखिए, विल किसके अंदर डिफाइंड होती है? इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये इन तीनों टाइप के डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये इन तीनों टाइप के डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, हम इसको एक बार समझते हैं। देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस गिवन थे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर का। ओके, देखिए यहाँ पे एक प्रोविजन है डिजिटल सिग्नेचर का। ओके, अब डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन ये कहता है कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है, दैट इज कोई भी आपका वर्चुअल सिग्नेचर जो होगा वो इक्विवेलेंट माना जाएगा अगर आपने कोई भी हैंड से सिग्नेचर किया है। सो देखिए यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर को जो आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है उसके इक्विवेलेंट माना गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। बट जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ट्रस्ट है और विल है, इस पे हैंड रिटन सिग्नेचर चाहिए होता है। ओके, यहाँ पे आपका हैंड रिटन सिग्नेचर चाहिए होता है। सो आप यहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ट्रस्ट है या विल है, इस पे आप डिजिटली साइन नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इसको इन तीनों टाइप के डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज फॉर सेल इज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट जो है उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बोला गया है। सो ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा? सो देखिए, अगर ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज है तो ऑब्वियस ही बात है वो प्रोस्पेक्टस होगा। ओके, प्रोस्पेक्टस होगा वो। सो अब ये प्रोस्पेक्टस भी कई टाइप के होते हैं, सेल्फ होता है, डीम्ड होता है, एब्रीज प्रोस्पेक्टस होता है, और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है। ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, चलिए अब यहाँ पे बोला गया सेक्शन 25 के अंदर कौन सा प्रोस्पेक्टस है जो कि ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज माना गया है। सो देखिए उसके अंदर जो प्रोस्पेक्टस माना गया है सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर वो है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अदर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एब्रीज प्रोस्पेक्टस, और देखिए अभी हमने डिस्कस किया रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। आप इसको एक चीज याद रखिए, देखिए जो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस है ये डिफाइंड है सेक्शन 31 के अंदर, आपका डीम्ड डिफाइंड है अभी हमने देखा सेक्शन 25 के अंदर, और आपका एब्रीज प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है सेक्शन 33 के अंदर। ओके, और जो आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 32। ओके, सो आप इन चारों के जो आपके सेक्शंस हैं इनको याद रखिए, सो दैट अगर आपको एग्जाम के अंदर इन चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है सो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। ओके, अब देखिए सेक्शन 25 में आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन चारों टाइप के प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहला है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है। अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट से मनी रेज करना है तो उसके लिए आपको मान लीजिए कि अगर आपको एक साल के अंदर 2 या 3 बार मनी रेज करनी है तो आप 2 या 3 बार आपको प्रोस्पेक्टस ना इशू करना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है इसको इशू किया जाता है। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का फीचर ये होता है कि ये बेसिकली वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अब ये हो सकता है 1 ईयर के लिए वैलिड हो, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए भी वैलिड हो सकता है। ओके, और जितने टाइम तक ये वैलिड है उतने टाइम तक आप मनी रेज कर सकते हैं विदाउट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। देखिए आप अगर आप एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं तो उसके पास आपके पास टाइम होता है कि आप उसके बाद जितना टाइम पीरियड आपको गिवन है उतने टाइम पीरियड में आप जितनी बार चाहें उतनी बार मनी रेज कर सकते हैं। अगर हम डीम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो ये आपका होता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। ये बेसिकली जो कंपनीज मनी रेज करती हैं तो उसके लिए जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है वो होता है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर हम एब्रीफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो ये होता है आपका ब्रीफ प्रोस्पेक्टस। ओके, ब्रीफ प्रोस्पेक्टस। अब ये ब्रीफ क्यों बोला गया इसे, देखिए बेसिकली एब्रीफ प्रोस्पेक्टस जब भी इशू किया जाता है तो इसके अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, अगर उसके अंदर वो प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी कंपनी की डिटेल डिस्क्लोज कर देगी तो देखिए ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा ये कि वो सारा प्रोस्पेक्टस को कम्प्लीटली रीड करें। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के कम्फर्ट के लिए सो दैट वो ईजिली समझ पाएँ, कंपनी की डिटेल को जान पाएँ, उसके लिए एक ब्रीफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। अब जो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस होता है इसको जो होता है वो कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है, बट यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्रीफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसको बोला जाता है एब्रीफ प्रोस्पेक्टस। और जो आपका एब्रीफ प्रोस्पेक्टस है वो डिफाइन किसके अंदर है, अंडर सेक्शन 33। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की। अब ये देखिए जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 32। अब देखिए जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ये क्यों इशू किया जाता है, सो इसको लिए आप याद रख सकते हैं, इसको देखिए इसको आप याद रखिए बुक बिल्डिंग के कंसेप्ट से। ओके, अब देखिए ये बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए जब भी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, और क्या प्राइस होगा, शेयर का क्या प्राइस होगा इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है शेयर का वो डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी डिमांड है उस कंपनी के शेयर की। ओके, सो यहाँ पे जो आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस द डैश इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैश। सो बेसिकली यहाँ पे कौन प्रोटेक्टेड है किससे, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। सो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कंपनी जो भी कोई भी कंपनी होती है जब भी वो कंपनी फॉर्म होती है तो उसको आरओसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। सो यहाँ पे 2 टाइप के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए पहला होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको कहा जाता है चार्टर ऑफ कंपनी और सेकंड होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये 2 टाइप के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो जब भी कंपनी कोई भी एक्शन लेती है सो ये एज्यूम करती है कि जो भी लोग हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी स्टेक होल्डर हैं कंपनी के, उन्होंने इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी रीड कर लिया होगा और कंपनी की डिटेल वो जानते होंगे। सो अगर वो कोई भी एक्शन लेती है सो यहाँ पर वो एज्यूम करके चलेगी कि यहाँ पर जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कंपनी की डिटेल्स हैं लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम कंपनी एज्यूम करके चल रही है सो यहाँ पे जो कंपनी है ये आउटसाइडर से प्रोटेक्टेड रहेगी, बिकॉज यहाँ पे कंपनी क्या एज्यूम करके चल रही है कि हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। सो यहाँ पे हम कोई भी एक्शन लेते हैं सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी उसके बारे में पता होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे जो कंपनी होती है आपकी वो आउटसाइडर से प्रोटेक्टेड होती है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड विद। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए जो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं कंपनी के अंदर वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और सेकेंड होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के रेजोल्यूशंस हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। सो देखिए जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सो अंडर सेक्शन 114 क्लॉज 2 इसके अंदर मेंशन किया गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास होगा जब वोट जो है वो फेवर में जितने भी कास्ट हुए हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए, कितने जो भी वोट्स अगेंस्ट में कास्ट हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जितने भी फेवर के अंदर वोट्स आ रहे हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए जितने भी अगेंस्ट वोट्स आ रहे हैं। सो ये किसके अंदर मेंशन है? अंडर सेक्शन 114 क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ, दोस्त प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बोर्ड मीटिंग कितने दिन का नोटिस देने के बाद कॉल की जा सकती है। सो देखिए जब भी कोई भी बोर्ड मीटिंग कॉल की जाती है तो उसके लिए मिनिमम 7 डेज का नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी को टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स। और देखिए जो नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। सो देखिए इसमें वेन्यू ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज होनी चाहिए जो भी बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।